हेलो स्टूडेंट, आज मैं साइंस का चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है डोमेस्टिक एनिमल। आवर पेट एनिमल, आवर होम, कारण ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू और एनिमल मीन्स होता है जानवर, पालतू जानवर, यानी जो वैसे जानवर जो हम अपने घर पे पालते हैं उसे डोमेस्टिक एनिमल के नाम से जाना जाता है। तो इस डोमेस्टिक एनिमल के अंतर्गत एग्जाम्पल में काऊ हो गया, बफेलो हो गया, और आपका ऑक्स हो गया, गॉट हो गया, ईटीसी। अब इन एनिमल से हमें क्या क्या प्राप्त होता है तो इस चीज पर आप लोग ध्यान देंगे। डोमेस्टिक एनिमल से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है मिल्क, हमें उससे दूध प्राप्त होता है। दूध किन किन जानवरों से प्राप्त होता है, एग्जाम्पल में काऊ, गॉट, ईटीसी। मेक ए मिल्क, दूध से हम किन किन चीजों को बनाते हैं, एग्जाम्पल में है बटर है, कर्ड है, चीज है, ईटीसी। तो दोस्त हम तो स्टूडेंट हम जो है घरेलू जानवरों से दूध के अलावा उनसे चमड़े भी प्राप्त करते हैं। तो दूध से हम इन कई प्रकार की चीजों को भी बना के अपने घर पे यूज करते हैं। इसके साथ साथ सिल्क, ऊन, हनी एंड वैक्स प्राप्त होता है। सिल्क हमें सिल्क वार्म से प्राप्त होता है, ऊल हमें सिल्क से प्राप्त होता है, हनी भी हनी हमें हनी बी से प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है पेट। पेट मीन्स होता है पालतू। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें हम अपने घर पे पालते हैं, काऊ, डॉग, कैट, एलिफेंट, बफेलो, डंकी, हॉर्स, इटीसी। इन सारे जानवरों को हम अपनी आवश्यकता अनुसार अपने घर पे पालतू बनाते हैं, जिससे हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे काऊ से हमें, गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, बफेलो भैंस से भी हमें दूध मिलता है, गॉट से मीट एंड मिल्क मिलता है, मांस और दूध मिलता है, साथ में इससे लेदर भी मिलता है। इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देंगे, बीस्ट ऑफ बर्डे। इसमें कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका उपयोग हम बोझ ढोने में करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, डंकी, कैमल, एलिफेंट। दोस्त मनुष्य अकेले किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम नहीं था, इस बोझ को कम करने या सहायता के रूप में अपने जानवरों को इसमें शामिल किया। जैसे हॉर्स है, घोड़े से हम जो है कोई भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, डंकी भी है हमारा जो बोझ ढोने का काम करता है, एलिफेंट भी हमारा हेल्प करता है, एंड कैमल डियर एरिया में जो है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी ट्रांसपोर्ट के रूप में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेदर।
लेदर हमें किन किन जानवरों से प्राप्त होता है? काऊ है, बफेलो है, कैमल है। तो अभी आप लोगों ने लेदर के जूते आप यूज करते हैं, बैग यूज करते हैं, पर्स यूज करते हैं, यानी जो भी चमड़ी की बनी हुई सामान है हम अपने घर में यूज करते हैं, वो डेड एनिमल से, डेड एनिमल स्किन से प्राप्त होती हैं। ये मरे हुए जानवरों के चमड़ों से तैयार होती हैं। वो है काऊ है, कैमल है, और उसके बाद आपका बफेलो है। इसके चमड़े को से बैग तैयार किया जाता है, पर्स तैयार किया जाता है, ईटीसी इत्यादि। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैन्यूर एंड फ्यूल। अब इन पालतू जानवरों से हमें और भी बेनिफिट है, जैसे इनके इससे हमें फ्यूल भी प्राप्त, ईंधन भी प्राप्त होता है, फॉर एग्जाम्पल काऊ ऑक्स ईटीसी। आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू।